अब हम लोग पढ़ेंगे बाइपोलर डिजीज, ठीक है? ध्यान से इसको देखना, सारे आजकल बाइपोलर पेशेंट आपको बहुत मिलेंगे, मैनिया पेशेंट, उसमें कैसे करना है इस बाइपोलर डिजॉर्डर को मैं समझो, फॉर्मली कॉल्ड एज ए मैनिक डिप्रेशन, इज ए मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट कॉजेज एक्सट्रीम मूड स्विंग, दिस इंक्लूड्स इमोशनल हाई, ऑल्सो नॉन एज मैनिया और हाइपोमैनिया एंड लॉस, ऑल्सो नॉन एज ए डिप्रेशन। बाइपोलर को डिप्रेशन के रूप में जाना जाता है, कभी बहुत ज्यादा इमोशनल रहेगा, काफी रोता रहेगा, बहुत दुखी रहेगा और पूरा पागलपन जैसा बिहेवियर करेगा, मूड एकदम ऑफ, बाल बिखरे हुए, पड़ा हुआ कोई कोना में पड़ा हुआ है, कोई साइड में पड़ा हुआ है, ठीक है? बाइपोलर डिजॉर्डर क्या है? बाइपोलर डिजॉर्डर इज ए मेंटल हेल्थ कंडीशन मार्क बाय एक्सट्रीम मूड स्विंग फॉर इमोशनल टू हाई मैनिया टू लो जन डिप्रेशन। बहुत कॉमन है इमोशनल बहुत ज्यादा रूप में हो जाना और डिप्रेशन हो जाना। बाइपोलर दो टाइप में डिवाइड किया गया, नंबर वन डिजॉर्डर सीवियर मैनिक एपिसोड लास्टिंग फॉर लास्ट 6 से 7 दिन तक वो डिप्रेशन में रहता है। दूसरा होता है हल्कापन, बाइपोलर टू डिजॉर्डर पैटर्न ऑफ डिप्रेशन एंड हाइपोमैनिक एपिसोड फॉर शॉर्ट टाइम, एंड साइक्लोथेमिक डिजॉर्डर वो बहुत क्रॉनिक रहता है, क्रॉनिक मूड इंस्टेबिलिटी सालों साल चला हुआ आता है डिप्रेशन में, दैट इज तीन टाइप का पाया जाता है। मेनिया के लक्षण इफोरिया, एक्सेसिव एनर्जी, इरिटेबिलिटी, इंपल्सिव बिहेवियर एंड रैशिंग थॉट, बहुत ज्यादा उत्साहित रहेगा, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत जोर से बोलेगा इसको, बहुत जब जब अटैक आता है बहुत ताकत हो जाता है, इसको पकड़ने से भी नहीं पकड़ता है। चिड़चिड़ापन, आवेगपूर्ण, बहुत ज्यादा रेसिंग थॉट, इंपल्सिव बिहेवियर, डिप्रेशन के लक्षण क्या है? शेडनेस, होपलेसनेस, फैटिक, स्लीप चेंजेस, सुसाइडल थॉट, ठीक है, उदासी, निराशा, थकान, नींद में बदलाव और आत्महत्या का विचार मन में आना। कॉज क्या है? जेनेटिक कॉज भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री लोगे, अगर इसको फैमिली हिस्ट्री में अगर मिलता है देन यू थिंक योर लिमिटेड ब्रेन केमिस्ट्री, एनवायरमेंट एंड स्ट्रेस के वजह से ये पाया जाता है और देखा जाता है। आपका फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन होता है नेट्रम्यूर, एफेक्टिव फॉर द मूड स्विंग विद डिप्रेशन, इमोशनल एंड सेंसिटिविटी। नंबर दो मेडिसिन ऑरा मेटालिकम, सूटेड फॉर डीप सैडनेस, सुसाइडल थॉट और मैनिक एपिसोड। ऑरा मेट में सालों साल चला हुआ डिप्रेशन, काफी दिनों से डिप्रेशन है, और दैट इज ऑरा मेट इज होपलेस पेशेंट, होपलेस निराशाजनक, उत्साह की कमी, लैकेसिस, वेरी हेल्पफुल इन एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी, टॉकटिवनेस एंड रेस्टलेसनेस, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, हमेशा टॉकेटिव रहेगा, बात करते रहेगा और हमेशा रेस्टलेसनेस रहेगा। अब आया आर्सेनिक एल्बम, उसको इजीली पहचान सकते हो, यूजफुल एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, फियर ऑफ लॉनलीनेस, अकेले रहने में डर, दैट इज आर्सेनिक। इग्नेशिया हमारा, इग्नेशिया मेरा जानने के पहले फॉर मूड स्विंग स्पेशली आफ्टर ग्रीफ एंड इमोशनल शॉक, आफ्टर ग्रीफ, ग्रीफ का कॉज लव अफेयर्स हो सकता है, बच्चा डेथ हो सकता है, मदर डेथ हो सकता है, कोई भी फैमिली वाला डेथ हो सकता है, कोई फैमिली वाला बिछड़ सकता है, इसका पहचानने का आसान तरीका है उसके बगल में कोई सिगरेट और स्मोकिंग करता रहेगा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, दैट इज इग्नेशिया पेशेंट, इजिली उसको पहचान सकते हो। तो रेगुलर स्लीप, बैलेंस्ड डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एडहेरेंस टू होम्योपैथिक रेमेडीज एट दिस स्टेबिलिटी। नींद अच्छी चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए, तब आपको अच्छा समझेगा। थैंक यू।
We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, mm-hmm. and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.